चीन अब तिब्बत की जमीन से भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। ड्रैगन वहां पर वॉर ड्रिल कर रहा है और जंगी माहौल को बनाया जा रहा है। दुनिया भर से घबराया और हिंदुस्तान से घिरा ड्रैगन अब हथियारों की नुमाइश कर दुनिया में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जिनपिंग के दिल में खोट है, इसका जीता जागता सबूत तिब्बत है। 10 साल बाद भारत चीन तनाव के बीच लासा में चीन हवाई हमले की ड्रिल कर रहा है और बकायदा इसके लिए जंग का सुर भी फूका जाएगा। तिब्बत में ड्रैगन का वॉर ड्रिल, सायरन बजा, जंग का माहौल बना। घबराए चीन ने की डराने की कोशिश। चीन की इस हिमाकत पर मुहर खुद उसके भोपू अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी लगाया। पिछले कई हफ्तों से अखबार में तिब्बत में की जा रही वॉर ड्रिल की एक एक डिटेल दी जा रही है। इस ड्रिल को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार लासा में इस तरह की कवायद 2009 में की गई थी। चीन इस ड्रिल के जरिए तिब्बतियों के बीच भय का माहौल बनाने जा रहा है। लासा में आज 3 अलग अलग वक्त पर सायरन बजाया गया और जंग का माहौल बनाया गया। भारत के साथ लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति के बीच एक तरफ जंग की गीदड़ भभकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ तिब्बत में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहा है। तिब्बत में ड्रैगन ने करीब $146 अरब निवेश करने का प्लान बनाया है। ये निवेश पहले से जारी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के अलावा नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए भी किया जाएगा। तिब्बत में चीनी हरकत की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जिसमें एयरबेस, बैरक और मिसाइल साइट भी शामिल है। दरअसल जिनपिंग तिब्बत को एक नया आधुनिक समाजवादी क्षेत्र बनाना चाहते हैं, जहां वो अलगाववाद के खिलाफ एक अभेद दीवार का निर्माण करना चाहता है। तिब्बत में चीन की ये हिमाकत कोई नई नहीं है। हाल के दिनों में भारत की उभरती वैश्विक छवि से ड्रैगन इतना बौखलाया हुआ है कि वो उलूल जुलूल हरकतें कर रहा है। तिब्बत में वॉर ड्रिल की ये कवायद भी उसे जोड़कर देखी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुरी तरह घिर चुका चीन भारत का क्या बिगाड़ लेगा। उधर पेंगोंग सो लेक पर एक बार फिर से चीनी साजिश सामने आई है। एक सैटेलाइट इमेज के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है कि ड्रैगन ने यहां पर करीब 6 से 8 टाइप 928D अटैक बोट्स की तैनाती कर दी है, जो हाई स्पीड के साथ साथ हैवी मशीन गन से भी लैस है। खबर आप देखिए। एलएसी से चीन का मोह भंग नहीं हो रहा है। पेंगोंग झील पर कब्जे की कोशिश के बाद भारतीय सैनिकों के हाथों पिटने के बाद भी उसकी पेंगोंग पर बुरी नजर लगी है। आगे कुछ बताएं, उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। सैटेलाइट की इस तस्वीर ने चीन की पोल खोल कर रख दी है। सैटेलाइट इमेज में साफ साफ देखा जा सकता है कि एलएसी पर चीन की 6 से 8 बोट तैनात की गई हैं, जिसमें 60 से ज्यादा उसने अपने सपोलों को सवार किया है। लद्दाख में जारी तनाव के बीच पेंगोंग झील में चीनी सेना अपनी टाइप 928D अटैक बोट से लगातार गश्त कर रही है। ये बोट्स न केवल चलने में ही तेज हैं, बल्कि इनकी फायर पावर भी जबरदस्त है। चीन की टाइप 928D पेट्रोल बोट स्वीडिश CB-90 की तरह ही ताकतवर है। इससे पहाड़ी झीलों में चीनी सेना की ताकत में भी इजाफा हुआ है। यही नहीं, चीन ने एलएसी के उस पार लगभग 18 ऐसी बोट्स को तैनात कर रखा है, जो हाई स्पीड से चलने के साथ छोटी और मध्यम दूरी तक मार करने वाले हथियारों से लैस हैं। टाइप 928D पेट्रोल बोट लगभग 45 फीट लंबी है, जबकि इसका बीम 13 फीट तक का होता है। इस बोट में 295 हॉर्स पावर के 3 मोटर्स लगे होते हैं, जिससे ये बोट पानी में 38.9 समुद्री मील की अधिकतम गति से चल सकती है। इस तरह की हमलावर बोट में 11 सैनिक तैनात होते हैं, जिसमें प्रमुख हथियार के रूप में 12.7 mm की एक हैवी मशीन गन लगी होती है। भारत ने चीन से पेंगोंग झील से अपने सैनिकों को पूरी तरह से हटाने के लिए कहा है, लेकिन चीन ने हिलने से इनकार कर दिया है। चीन ने इसे सबसे पहले जुलाई 2019 में पेंगोंग झील में तैनात किया था। भारत के साथ जब सीमा पर तनाव बढ़ने लगा, तब चीन ने इन बोट्स की मदद से भारतीय इलाकों में घुसपैठ की कोशिश भी की। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,